ब्रह्मपुर के निमेज में हर्ष फायरिंग में भोजपुरी गायक विवेक तिवारी के घायल होने के मामले में उनके चचेरे मामा शशि तिवारी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जानकारी देते हुए डुमराव SDPO आफाक अंसारी ने बताया कि उन्होंने थानाध्यक्ष को घायल का बयान लेने के लिए भेजा था। घायल ने बताया है कि उनके चचेरे मामा शशि तिवारी हर्ष फायरिंग कर रहे थे, वही गोली उन्हें आकर लग गई है। घायल के बाएं कंधे में गोली लगी है, जिसके बाद उनका इलाज आरा के निजी अस्पताल में किया जा रहा है। जी, रात में कल 5 मई की रात में 10:05 में ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ नीमेज एक गाँव है, वहाँ पे हर्ष फायरिंग की गई। वहाँ पे उपेंद्र ओझा के बेटे की तिलक थी, उसमें हर्ष फायरिंग की गई। तो मैं सूचना प्राप्त थी, मैं थाना को भेजा सत्यापन के लिए। सत्यापन किया गया, मालूम चला कि जिसे गोली लगी है विवेक तिवारी लड़का का नाम था, जिसे बाएं कंधे में गोली लगी थी। तो वो उसे इलाज के लिए ले जाया गया था आरा डॉक्टर विकास कुमार की क्लिनिक में। तो यहाँ से मैं अपने थाना अध्यक्ष को भेजा कि जाकर के आप उनका बयान दर्ज कीजिए। जो भी व्यक्ति है, मालूम चला है कि उनके जो चचेरे मामा हैं, वही उन्होंने ही मतलब हर्ष फायरिंग जो आंगन में हो रही थी तो उन्होंने गोली चलाई तो उसे लग गई। FIR अंकित कर दी गई है। कितने लोग फायर हुआ है? एक व्यक्ति जिसने गोली, उसके लिए छापेमारी की जा रही है। फरार है सर अभी? हाँ, ये फरार है। बता दें कि शुक्रवार की देर शाम निमेज गांव निवासी हरेंद्र ओझा के यहाँ तिलक समारोह चल रहा था। उनके बेटे का तिलक आरा के सुंदरपुर बरजा से आया हुआ था। इसी दौरान सुंदरपुर बरजा के निवासी विवेक तिवारी को गोली लग गई थी। बताया गया कि हर्ष फायरिंग में उन्हें गोली लगी है। आनन फानन में उन्हें आरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब इस मामले में उनके मामा को अभियुक्त बनाया गया है। डुमराव SDPO आफाक अख्तर अंसारी का कहना है कि थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया था तो उन्होंने आरा जाकर घायल का बयान दर्ज किया। घायल ने बताया कि उनके चचेरे मामा शशि तिवारी हर्ष फायरिंग कर रहे थे, वही गोली उन्हें आकर लग गई। हादसे में घायल के बयान के आधार पर ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बता दें कि निमेज गांव निवासी नागेंद्र ओझा के यहाँ भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के सुंदरपुर बरजा गांव से तिलक आया हुआ था। देर शाम जब आंगन में तिलक का कार्यक्रम चल रहा था, इसी बीच किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी। हालांकि अब हर्ष फायरिंग करने वाले की पहचान भी हो गई है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी कर रही है। हर्ष फायरिंग में लड़की पक्ष की तरफ से पहुँचे राजेश तिवारी के 19 वर्षीय पुत्र विवेक तिवारी को गोली लग गई थी। विवेक तिवारी भोजपुरी गायक हैं तथा उन्होंने कई एल्बम भी निकाले हैं।